तो दोस्तों, अगर आप भी Realme X7 डिवाइस यूज़ करते हैं और आपका भी डिवाइस यहाँ पे हैंग करता है, तो आज की इस वीडियो के थ्रू प्रॉपर सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली आपको पता है, कई लंबे यूजेस के बाद जो है आपका डिवाइस जो है हैंग करने लगता है। ऐसी सिचुएशंस में आप अपने डिवाइस को कैसे यहाँ पे जो है यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, अगर आप एज ए पर्सनल फ़ोन यूज़ करते हैं और लंबे समय के बाद कई सारी ऐप्स को जो है इंस्टॉल करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपका डिवाइस प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, मतलब डिवाइस जो है हैंग करने लगता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो के थ्रू मैं प्रॉपर सॉल्यूशन जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अभी मैं फिलहाल अपने सेटअप पे नहीं हूँ। फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड का चेंजेस जो है यहाँ पे हुआ है, बट फिर भी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वीडियो, बिकॉज अभी हम जो है कहीं बाहर ही शूट कर रहे हैं और अचानक से मेरे पास एक डिवाइस आया जिसमें जो है हैंगिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को जो है शॉर्ट आउट करना है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये डिवाइस हैंग कर रहा है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने डिवाइस की सेटिंग पैनल को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है, देन आपको ओपन करना है यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट को। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में कॉर्नर में आपको थ्री डॉट मिलता है, इस पर सिंपली टैप करना है। और उसके बाद आपको सो सिस्टम पर टैप करना है। सो सिस्टम पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है सिस्टम UI को, ठीक है। आपको सर्च करना है सिस्टम UI, तो इस तरीके से आपको सिस्टम UI सर्च कर देना है, ठीक है। आप चाहें तो मैनुअली इसमें सर्च भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं सिस्टम UI मिल गया, इसको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टोरी यूजेज ओपन करना है, इसको यहाँ पे क्लियर करना है, बैक लेना है, देन इसको फोर्स स्टॉप कर लेना है। एंड आफ्टर फोर्स स्टॉप के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको सिस्टम लॉन्चर मिलता है, इसको भी आपको सर्च कर लेना है। देन आपको करना क्या होगा, स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करके इसको भी यहाँ पे क्लियर करना है और इसको यहाँ पे बैक लेना है, ठीक है, फोर्स स्टॉप कर लेना है। ये दो सेटिंग करने के बाद आपको सिंपली एक यहाँ पे दो से तीन सेटिंग और करनी है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, इसको बैक लेना है, ठीक है। बैक लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आना है अबाउट डिवाइस में। अबाउट डिवाइस में आने के बाद आपको जो है सिंपल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, वर्जन मिलता है, वर्जन के ऑप्शन में टैप करना है। उसके बाद आपको बिल्ड नंबर पे जो है सिंपली टैप करना है। जैसे आप बिल्ड नंबर पे टैप करेंगे तो आपको यहां पे पासवर्ड मांगेगा अपने डिवाइस का, यहां पे आपको अनलॉक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे इनेबल करेंगे तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, देन आपको बैक लेना है। बैक लेने के बाद आपको सिस्टम सेटिंग में चले जाना है। सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है। जैसे ही आप डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे तो स्क्रॉल कर लेना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे साइड में आपको विंडो एनिमेशन स्केल का एक ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है विंडो एनिमेशन स्केल, ये देख सकते हैं, इसको आपको सिंपली ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑफ करने के बाद आपको तीनों चीज़ को ऑफ करना है, ठीक है। ऑफ करने के बाद आपको बस लास्ट प्रोसेस क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आपका इतना वर्क कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो है पावर वाली बटन को प्रेस करना है एंड वॉल्यूम बटन को प्रेस करना है, जिससे कि आपका डिवाइस जो है हार्ड रीस्टार्ट हो जाए। अगर आपका डिवाइस हार्ड रीस्टार्ट होता है तो उसके बाद जो है आराम से इजिली जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, हार्ड रीस्टार्ट करना है, बट अभी हुआ नहीं है। तो आपको पावर वाली बटन एंड वॉल्यूम आप बटन को सेम टाइम में प्रेस करना है, ठीक है। देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे सेम टाइम में प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, देन आपको वेट करना है 10 to 50 seconds का। देन जैसे ही आप वेट करेंगे तो आपका डिवाइस जो है यहाँ पे रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पे आपको अपने डिवाइस का पावर बटन तब तक नहीं यहाँ पे ड्रॉप करना है जब तक कि आपका Realme का लोगो बन के ना आ जाए। देखिए, फिलहाल ये Realme का लोगो जो है ब्रांडिंग आ चुकी है बन के, ठीक है। तो अब आपको करना क्या होगा, वेट करना है जब तक कि आपका डिवाइस टर्न ऑन होता है। ऐसी सिचुएशन में जो आपका हैंगिंग का प्रॉब्लम था, इन प्रोसेस को करने के बाद डेफिनेटली तरीके से जो है यहाँ पे रिजॉल्व हो सकती है ये सब प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर आप Realme X7 डिवाइस यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप इस ट्रिक को इस डिवाइस में जो है प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और होपली आपको इस वीडियो के थ्रू स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस मैंने आपको डिस्कस कर ली है किस तरीके से आपको जो हैंगिंग प्रॉब्लम को दूर करना है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।